नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सुशांत आत्महत्या केस में एक नया वीडियो यानी एक नया सबूत आया है। न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया था कि सुशांत के बैंक अकाउंट से पूजा के लिए बेतहाशा रकम खर्च की गई थी और अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत खुद पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक दावा यह किया जा रहा था कि सुशांत के पुराने घर पर भूत प्रेत का साया था और सुशांत पर जादू टोना भी किया जा रहा था। इसी बीच अब ये वीडियो आया है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत शिव की पूजा कर रहे हैं। ये पूजा सुशांत की बांद्रा के पाली हिल्स वाले पुराने घर में की गई थी। बताया गया कि ये वीडियो अप्रैल 2019 का है जिसमें त्र्यंबकेश्वर से आए पुजारी रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। कहा जाता है कि ग्रहों की बाधा और जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक पूजा करवाई जाती है। हालांकि इस पूजा को करवाने वाले पंडित नारायण शास्त्री का दावा है कि पूजा किस वजह से करवाई गई उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। खास बात यह है कि इस वीडियो में सुशांत के परिवार के लोग भी हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो में सुशांत के साथ पूजा में बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ भी दिख रहे हैं। खुद सुशांत सिंह भी पूजा के समय पूरे तन मन से मग्न बैठे दिखाई दिए। पूजा करवाने वाले पंडित नारायण शास्त्री ने न्यूज 18 को बताया कि अप्रैल 2019 में ये पूजा करवाई गई थी। ये पूजा कब हुई थी और कहां हुई थी? ये पूजा अप्रैल में हुई थी और 2019 में हुई थी, बैंड्रा में हुई थी। अच्छा, और ये क्या बैंड्रा के घर पे बुलाया गया था आपको? बिल्कुल। और क्या बताया क्या गया था कि सुशांत से कुछ बातचीत हुई थी कि किस चीज की पूजा है? कोई बातचीत नहीं, सिर्फ रुद्राभिषेक था। ये आपको कांटेक्ट किसने किया था इसके लिए? ऑनलाइन नंबर मिल सकता है, उसका तो उसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, तो ये किसी पंडित के थ्रू या फिर रिया के थ्रू किसी ने कॉन्टेक्ट किया था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूजा में और कौन कौन परिवार के लोग कौन कौन थे उस वक्त? आपने वीडियो डाला है, वीडियो में देख लीजिए आप। हमें कोई जानकारी नहीं थी कौन है कौन नहीं, है ना। रुद्राभिषेक ये जो पुराना वाला घर था उस पे हुआ था, पाली हिल के, या फिर जो नया वाला घर था काटा रोड? पुराना वाला। उन्होंने कुछ बताया था कि ये रुद्राभिषेक की पूजा क्यों करवानी है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी। सुशांत से मुलाकात हुई थी आपकी? बिल्कुल। बातचीत हुई कुछ उस वक्त? कोई बातचीत नहीं, केवल पूजा से पूजा। त्र्यंबकेश्वर से आप आए कैसे फिर, मतलब आपको बताया गया, फिर आप आए कैसे वहाँ से यहाँ पे? नहीं, हमारे प्राइवेट कार है ना। रिया के परिवार से कोई था क्या सर? कौन रिया, हम नहीं जानते। कुछ दिन पहले ही सुशांत के चाचा ने आरोप लगाया था कि पाली हिल्स वाले घर में भूत प्रेत की कहानी बताकर घर में पूजा करवाई और फिर घर छोड़ने के लिए सुशांत को गुमराह किया गया था। हिल जो है उसको कहा कि इसमें भूत प्रेत रहता है, तो उसको वहाँ से दूसरी जगह अपनी चापलूसी से शिफ्ट कराया। पाली हिल जो है उसको कहा कि इसमें भूत प्रेत रहता है, तो उसको वहाँ से दूसरी जगह अपनी चापलूसी से शिफ्ट कराया। जो वर्तमान में घर में सुसाइड जो हुआ है उस घर में ले गया। बैंक डिटेल्स में सामने आई इन्हीं बैंक एंट्री को लेकर सुशांत सिंह के परिवार ने भी सवाल खड़े किए हैं। सुशांत के बैंक अकाउंट की एंट्री के मुताबिक पिछले साल 14 जुलाई को सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट से पूजा के सामान के लिए 45,000 रुपए निकाले गए। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को फिर पूजा के सामान के लिए 55,000 रुपए निकाले गए। इसी दिन 36,000 रुपए फिर निकाले गए। इसके बाद 2 अगस्त 2019 को भी पूजा के सामान के लिए 86,000 रुपए अकाउंट से निकाले गए, जबकि 8 अगस्त को सुशांत के अकाउंट से 11,000 रुपए पंडित की फीस के तौर पर दिए गए। इतना ही नहीं, एक बार फिर सुशांत के अकाउंट से 15 अगस्त 2019 को पूजा के लिए 60,000 रुपए निकाले गए। कुल मिलाकर 2 महीने के भीतर करीब 3 लाख रुपए पूजा के नाम पर खर्च किए गए। तो पूजा पर लाखों रुपए खर्च किए गए पिछले साल। क्या ये पूजा का वीडियो सामने आया है, अप्रैल 2019 का है, और बताया ये गया कि अप्रैल से लेकर के अगस्त के बीच तक पूजा के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए।
और अब ये जो वीडियो आया है इसमें सुशांत के साथ उनकी बहन और उनके पति दिखाई दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी पूजा में मग्न है और जो पंडित ये पूजा करवा रहे थे, ये पूजा क्यों करवाई गई उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में ईडी आज एक बार फिर रिया के परिवार से पूछताछ करेगी। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया के अलावा उनके पिता और भाई से भी पूछताछ होगी। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने रिया से 9 घंटे लंबी पूछताछ की थी। हालांकि इस बीच रिया ने ईडी अधिकारियों के सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया था। इसके बाद रिया के भाई से भी शनिवार को पूछताछ हुई। करीब 18 घंटे तक ये पूछताछ चली। मुंबई में सुबह 10 बजे शुरू होने वाली इस पूछताछ में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी बुलाया गया है। इसके अलावा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी आज ईडी पूछताछ करेगा।